नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास अहुजा कंपनी की UVA 800 एम्पलीफायर आई है रिपेयर होने के लिए। आप ये देख सकते हैं, तो ये जो एम्पलीफायर है बिल्कुल डेड है, इसमें कोई भी लाइन यहाँ पे इनपुट नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे क्या दिक्कत आखिर इसमें आई है जो कि पावर ऑन नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों मैं वैसी वीडियो बनाता हूँ जो बिल्कुल आप खुद से घर पर इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी स्क्रू मैंने नहीं खोला है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको इसी में लाइन इन करके दिखा देता हूं, और जो भी होगा बिल्कुल आप लोगों के सामने होगा, बिल्कुल लाइव में होगा। और इसके अंदर अभी क्या दिक्कत है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सीरीज बल्ब है, और सीरीज में ही कोई भी एम्पलीफायर हो दोस्तों, यहाँ पर स्विच मेरा ऑन दिया हुआ है, ऑन किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रही है, ठीक है। और ना ही हमारी सीरीज बल्ब जल रही है, और ना ही हमारी पावर ऑन की LED जल रही है, ठीक है। तो एम्पलीफायर में कोई भी रिस्पांस नहीं है दोस्तों। तो हम कैमरे को सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद इसे खोलते हैं, इसकी कैबिनेट को, और इसमें जानेंगे इसमें आखिर क्या क्या दिक्कत आई है और हमें क्या करना चाहिए। तो कैमरा को दोस्तों मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, और इसकी कैबिनेट खोलने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और जो भाई लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, DJ वाले भाई लोग, अगर मैं दोस्तों मैं ऐसा मतलब तरीका बताता हूँ जो कि हर कोई अपने से खुद से काम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो कैबिनेट है मैंने यहाँ पर खोल लिया है, और काफ़ी यहाँ पर गंदगी वगैरह पड़ी है, डस्ट वगैरह इसमें पड़ा हुआ है, जाली वगैरह लगी है, ठीक। तो इसे हम ब्लोअर से साफ़ करेंगे बाद में। तो सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पे चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपका मेन वायर जो है, अधिकतर एम्पलीफायर में आपने वहाँ देखा होगा कि AC फ्यूज लगा होगा 30 एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको मेन प्लग में आपको चेक करनी है, देख सकते हैं यहाँ पर स्विच ऑन करके अपने एम्पलीफायर में यहाँ से स्विच ऑन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इस पावर ट्रांसफार्मर से हमें मेन वायर में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको इसकी जो वायरिंग है ये ट्रेस करना होगा। सबसे पहला दोस्तों, पावर नहीं आने का मेन कारण होता है, अगर हमारी पावर ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर जो होती है उसमें 220 वोल्ट अगर इन नहीं करेगी तो गारंटी है, ये तो ज़रूरी है कि आपकी आउटपुट सप्लाई नहीं देगी। तो जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो एम्पलीफायर ऑन भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस मेन वायर को भी चेक करेंगे, हम स्विच को भी चेक करेंगे। तो कैसे करना है वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल हर एक स्टेप बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम केवल यहीं से है क्या है। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आसान तरीके से और हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। तो सबसे पहले स्विच में से 4 कनेक्शन डाली गई है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 2 ट्रांसफार्मर की है जो कि प्राइमरी सेक्शन में, और 2 हमारी मेन प्लग जो मेन वायर हमारी जो इनपुट हुई है जहाँ से हम लाइन देते हैं, 2 वायर हमारी उधर की है, ठीक है। तो इसे आपको पहचान लेना है, तो जो दोनों ब्लैक आप देख रहे हैं ना, ये हमारी मेन प्लग की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है स्विच का, स्विच हमारी बिल्कुल ओके है दोस्तों, स्विच हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें ट्रांसफार्मर का कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना है, और मेन तार का टेस्ट करेंगे हम। तो सबसे पहला मैं मेन तार टेस्ट करके दिखा देता हूँ, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो एक तार आप अपने प्लग का कोई भी पिन में लगा लीजिए, और एक अपने मीटर का एक कोई भी मेन वायर में आपको लगाना है मीटर का तार, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए इसमें से कंटिन्यूटी हमें मिल रही है, एक वायर में मिल रही है, और दूसरे में इसमें दोस्तों नहीं मिल रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि न्यूट्रल तार है यानी कि ब्लैक वाली वायर है, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही जबकि मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से ये वायर जो हमारा ख़राब है, तो ये वायर कहीं से भी ख़राब हो सकती है, चाहे तो मेन प्लग से भी ख़राब हो सकती है, या फिर अंदर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो आपको कैसे यूज करना है, कैसे इसे चेक करना है, हम कहाँ अंदाज़ा इसे कट लगाएंगे, तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक बार फिर से
मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसे फटाफट ब्लोवर की सहायता से इसमें जो भी डस्ट है वो हम उड़ा लेते हैं, हटा लेते हैं इसे। तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, अभी हमारा जो एम्पलीफायर है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो आपको दोस्तों ट्रेस करना है, यहाँ से जो मेन वायर हमारी पीछे तरफ से आई है, ठीक है, इसे ट्रेस करना है किधर किधर से घूम करके आई हुई है। तो यहाँ पे टाइल लॉक के द्वारा यहाँ पे टाइट कर दिया गया है मोटर स्लीव के द्वारा। तो टाइल लॉक को सब हम कट करके निकाल लेंगे। और इसकी जो ज्वाइंट है ये दोस्तों स्विच में, स्विच से जो निकली हुई है ना, मैं आपको इसकी ज्वाइंट दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहला हमें ज्वाइंट में ही हम चेक करेंगे। और चीज़ दोस्तों इसमें आपको वोल्टेज के बारे में भी कुछ हम बेसिक चीज़ वोल्टेज भी यहाँ पे बता देंगे कि अगर इस तरीके का एम्पलीफायर अगर रिपेयर होने के लिए अगर आपके पास आती है तो आपको वोल्टेज कहाँ पे कितना चेक करना है, ठीक है। वैसे दोस्तों मैं UBA 800 का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और इसमें खास बात यह और भी है कि दोस्तों एम्पलीफायर में अगर एक वायर भी अगर कहीं से आप खोल देंगे, कनेक्टिंग इसका खोल देंगे, कनेक्टर जो भी है कहीं से भी खोल देंगे, चाहे ड्राइवर बोर्ड हो या फिर इसकी जो मॉड्यूल में पावर सप्लाई की अगर सब गई है वोल्टेज, इसे भी अगर आप कहीं से भी एक वायर भी अगर खोलेंगे ना तो ये फॉल्ट का सिग्नल देने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेन वायर है दोस्तों, मेन वायर मैंने कट करके निकाल लिया हूँ। और एक वायर ये जो है जो कि हमारी स्विच की तरफ से आई है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया हूँ मेन वायर को। और लगभग दोस्तों यहाँ से 3 से 4 इंची के आसपास हमें इसकी वायर कट करके मैं छोटा कर दिया हूँ, देख सकते हैं। जहाँ पे मुझे डाउट था, जहाँ पे दोस्तों बिल्कुल टाइट था, बिल्कुल वहाँ पे निशान सा बन गया था, ठीक है, तो उस जगह पे मैंने कट करके निकाल दिया हूँ। और इसे इसकी जो PVC है, PVC हम कट करके निकाल लेंगे और देखते हैं एक बार यहाँ से कंटिन्यूटी हमें मिल जानी चाहिए। स्विच में आपको चारों पिन जो मैंने फर्स्ट में खोला हुआ था इसे भी आपको लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है स्विच ऑन करके। उसके बाद देखेंगे कि आगे हमारी प्रॉब्लम और भी है या फिर यहीं से दूर होती है। तो दोस्तों अभी ठंडी का महीना शुरुआत हो चुका है और इसी के कारण इसकी जो वायर है काफ़ी कठोर हो गई है, बिल्कुल हार्डनेस हो गई है। और यही अगर सॉफ्टनेस रहती, गर्मी का मौसम रहता तो इतनी मुश्किल नहीं होती इसे छीलने में, ठीक है। तो आपको लाल और काला जो वायर है दोस्तों, इसी दोनों वायर में हमारी 220 वोल्ट करंट इनपुट होगी। और ग्रीन वायर जो है ये दोस्तों हमारी बॉडी ग्राउंड है अर्थ के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग हमारी आ जा रही है, बिल्कुल कंप्लीट है। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट 220 वोल्ट डालेंगे तो हमारी एम्पलीफायर ऑन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेन वायर को भी हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पे हम स्लीविंग लगा करके और ज्वाइंट हम कर देंगे वायर को। उसके बाद सोल्डरिंग कर देना है ऐसी दोस्तों, यहाँ पे केवल आपको जोड़ के नहीं रखना है, जोड़ देंगे फिर लोड में यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है, इसके लिए आप सोल्डरिंग कर दें, बिल्कुल पक्का कर देना है, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पे हम जोड़ करके सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि ये दोबारा प्रॉब्लम ना हो। और इस एम्पलीफायर का दोस्तों ओवर UBA 800 का जो ओवरलोड क्यों होता है इसके बारे में भी हमारी चैनल पे आपको ऑलरेडी वीडियो हमने बना करके डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और एक दो भाई का और भी कमेंट है ड्राइवर बोर्ड के बारे में, जो कि आहूजा कंपनी की ड्राइवर बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों उसके लिए मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल हर एक बात, हर एक चीज़ उस ड्राइवर बोर्ड के बारे में बताई जाए। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग भी कर लेते हैं। और मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।
कभी कभी दोस्तों मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कहीं बाहर अगर चला जाता हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों के बीच कुछ शेयर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्डरिंग करने के साथ स्लीविंग के द्वारा यहाँ पे कवर कर देना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। इसमें आप टेप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ग्रीन को अगर आप जोड़ देंगे तो भी ठीक है, नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से मेन वायर मैं निकाल चुका हूँ, देख सकते हैं। और इसे आपको फिर से टाइल लॉक के द्वारा हम टाइट कर देंगे बाद में, तो उससे पहले सब यहाँ पे हम लाइन इनपुट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मॉड्यूल को मुझे खोलना पड़ा था इसलिए कि दोस्तों अगर हम मॉड्यूल अगर नहीं खोलेंगे तो फिर इसकी जो स्लीविंग है उसे में से निकालना मेन वायर थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज बल्ब हमारी बिल्कुल हल्की सी जल रही है, हमारी एम्पलीफायर में पावर ऑन भी हो गई है। तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम थी यहाँ पे एम्पलीफायर में, केवल इसकी जो मेन वायर थी बस उसी का प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए मैं MP3 लगा के सुन लेते हैं इसकी जो ऑडियो है। और जब भी दोस्तों रिपेयर करेंगे तो पूरा अच्छे तरीके से इसकी रिव्यू कर लेना है, और ऑडियो वगैरह कुछ चेक कर लेना है, तभी कस्टमर को हम देते हैं। तो दोस्तों अभी आपने इसकी आवाज़ भी सुन लिया है, ठीक है। तो देखने में तो आपको कहीं पे भी इसकी जो मेन वायर थी कहीं पे भी आपको ख़राब नहीं लगेगी, लेकिन इसका जो मेन वायर है बिल्कुल ख़राब हो चुका था, ठीक है। इसे हम सेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइल लॉक भी लगा देंगे अभी। तो वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारा इंतज़ार रहेगा आपकी हर एक कमेंट का, और टाइल लॉक के माध्यम से हम इसे टाइट करेंगे। और इतनी छोटी प्रॉब्लम अगर आप लोगों के साथ होगी तो ज़रूर रिपेयर कर सकते हैं आप अपने से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।